हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, दिल्ली के अपडेट्स के साथ साथ आज का लेटेस्ट अपडेट, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फ्रेंड्स ग्रुप डी के वैकेंसी निकाली है 10th बेसिस पे, जिसके जो फॉर्म है फ्रेंड्स 22 मार्च 2019 को, जैसे कि इस शुक्रवार को इसके फॉर्म फ्रेंड्स फिल होना शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की वो 22 अप्रैल 2019 को रहेगी। तो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स की भी 10th पास है और उनकी जो एज है वो 18 और 42 साल के बीच में है, तो फ्रेंड्स वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे इसके फॉर्म को फिलअप करना है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और फ्रेंड्स क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स ये सारी चीजें। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए सबसे पहले चैनल पर अपडेट्स लेके आते रहता हूं फ्रेंड्स, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा न्यू अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ग्रुप डी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, इसका जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 10वीं में आपकी हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और फ्रेंड्स जो एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जो आपकी एज रहेगी फ्रेंड्स, वो आपकी 18 और 42 साल के बीच में फ्रेंड्स होनी चाहिए। और ग्रुप डी का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो फ्रेंड्स पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फ्रेंड्स आपकी ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन फ्रेंड्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें आपका 90 मार्क्स का तो रिटन एग्जाम होगा, लेकिन जो आपको 10 मार्क्स होंगे वो आपके सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस पे फ्रेंड्स डिपेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। और ग्रुप डी का फ्रेंड्स जो सिलेबस रहेगा फ्रेंड्स, वो अप टू 10th लेवल तक का रहेगा। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, 75% वेटेज जो है फ्रेंड्स वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस और इंग्लिश को अप टू 10th लेवल तक फ्रेंड्स दी जाएगी। और फ्रेंड्स जो 25% रिमेनिंग वेटेज है वो फ्रेंड्स हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट और कल्चर को फ्रेंड्स दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था इसका ग्रुप डी का फ्रेंड्स सिलेबस, जो आपको फ्रेंड्स तैयार करना है इसका पेपर में अपीयर होने से पहले। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसका जो हमारा 10 मार्क्स जो हमारे एग्जाम में जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस पे दिए जाएंगे उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो आपके 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स होंगे फ्रेंड्स वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, अगर एप्लीकेंट का फादर, मदर या फिर स्पाउस या मदर कोई भी फ्रेंड्स अगर रेगुलर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में नहीं है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं है, उसको फ्रेंड्स 10 मार्क्स के अंडर फ्रेंड्स वो आएगा। और या फिर फ्रेंड्स एप्लीकेंट जो है वो विडो है, तो फ्रेंड्स यहाँ एप्लीकेंट पहला और दूसरा फैमिली का चाइल्ड है और उसके फादर की 42 ईयर्स एज होने से ही पहले ही फ्रेंड्स फादर की डेथ हो जाएगी, वो भी फ्रेंड्स इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आएगा। या फिर फ्रेंड्स एप्लीकेंट जो है वो फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड है फैमिली का और उसकी 15 ईयर्स होने से पहले उसके फादर्स की फ्रेंड्स डेथ हो जाती है, तो फ्रेंड्स वो भी इस एलिजिबिलिटी के अंडर आएगा। तो फ्रेंड्स ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो 10 मार्क्स हमको एग्जाम में दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया। और फ्रेंड्स आप एक्सपीरियंस का भी फ्रेंड्स ऐसे यहां पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था पूरा इसका जो एजुकेशनल और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर। तो फ्रेंड्स जैसे ही इसका 22 मार्च 2019 को, जैसे कि इस शुक्रवार को फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि कैसे इसके फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर या फिर सिलेबस या फिर किसी के भी रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, तो फ्रेंड्स आप मेरे को डायरेक्ट फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको विद इन सेकंड में फ्रेंड्स वहां पे रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपकमिंग वीडियोस के लिए आप मेरा फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा न्यू अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।